चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए तो थैंक यू नहीं बोलेगी ना। अरे माना के सिंदूर फैलाया मैंने, लेकिन थाली भी तो बचाइए। चल जाने दे, क्या है कि मेरे को सॉरी बोलना नहीं आता और तुझे थैंक यू बोलना नहीं आता। क्या? कुछ नहीं। चल अपना काम निपटा, अस्पताल भी तो जाना है। पर अपॉइंटमेंट तो दोपहर का है, तो फिर अभी? अरे मुंबई है ये, अभी निकलेंगे तो कभी पहुंचेंगे। ये क्या तरीका है? हॉस्पिटल्स के कुछ रूल्स होते हैं, तुम अपने आप अपॉइंटमेंट ऐसे चेंज नहीं कर सकते हो। मैंने क्या बोला था? यहाँ का भगवान कौन? बप्पा। और बस्ती का भगवान? वैसे जल्दी कर ले। ए, सुनो, तुमने अपॉइंटमेंट लिया भी है? कंफर्म है ना? अपॉइंटमेंट लिया है ना, मतलब कंफर्म ही है। कंफर्म तो एक काम कर, जल्दी जा भगवान को निपटा के आ। क्या कि भगवान के पास टाइम नहीं है और मेरे पास भी टाइम नहीं है। हे भगवान, क्या सोच के आप इसे इस दुनिया में लाए हो? ये लो बेटा आपकी थाली। बेटा सिंदूर मांग में ही सस्ता है, नाक पे नहीं। पापा के जाने के बाद आज पहली बार आपके सामने आई हूँ। नाराजगी बहुत है, पर यह भी पता है कि मम्मी को आप ही ठीक कर सकते हो। उन्हें हॉस्पिटल लेके जा रही हूँ, ध्यान रखना। और एक बात, पापा आपके पास आए हैं, उनका भी पूरा ध्यान रखना, बहुत अच्छे इंसान है वो। साला इतनी देर में तो एक पूरी बारात तैयार हो जाती। अपॉइंटमेंट मिला? नहीं, वो थोड़ा मुश्किल लग रहा है। मैं क्या बोलता हूँ, अपन ना कल का। हाँ जी, मैं संभाल लूंगा। कहाँ है यार ये लोग? आ रहे हैं भाई, आ रहे हैं। अंतरा, मैं भी साथ चलती हूँ, किसी चीज की जरूरत पड़ सकती है। मामी, आपको कल रात से बहुत तेज बुखार है ना, आप थोड़ी देर रेस्ट करो, मैं सब संभाल लूंगी। तो फिर तू नूर आपा को साथ लेके जा। हाँ। आपा, आप पीछे से मामी का ध्यान रखना और इनको कोई काम मत करने देना। और मैंने इनके लिए सूप बनाया है, इन्हें गर्म करके पिला देना। और अगर ये ईशान जैसी जिद करे ना तो इन्हें संभाल लेना जैसे ईशान को संभालते हो। गोविंद जी किधर है? बाहर गए हैं, उन्हें लगा आज दोपहर की अपॉइंटमेंट है इसलिए वो थोड़ा लेट आएंगे। तो अकेले संभाल लेगी? हाँ, मैं संभाल लूंगी। वैसे आज अपॉइंटमेंट कितने बजे का है? 5। अरे चले, देर हो रही है, नहीं तो निकल जाएगी। ख्याल रखना। जी।
चल आराम से। मच गाड़ी रोक। बारिश तेज हो रही है, थोड़ी देर यहां रुक लेते हैं। इधर इधर इस साइड। थैंक्स। जूते की आवाज है मेरी, चूहा नहीं है वो। एक्चुअली मेरी जीप खुली है ना, तो बारिश में इसीलिए। तुम्हारा नाम क्या है बेटा? जी रघु। रघुवंश के बहादुर राजा रघु के नाम से रखा हुआ नाम। तो किसी राजा से कम नहीं अपना भाई। वैसे तो नाम रघुनाथ है, लेकिन लोग डर से बोलो, इज्जत से बोलो या प्यार से बोलो, रघु भाई बुलाते हैं। डर, इज्जत, प्यार, डर तो पैदा किया जाता है, इज्जत कमाई जाती है। और प्यार? प्यार, प्यार का कोई एक तरीका नहीं है, वो आत्मा की तरह है, समझ के बाहर होता है, हो जाता है। बचमच, तू इन लोगों को लेके डॉक्टर के पास जा, मैं फिफ्थ फ्लोर से आता हूँ। हाँ तू जा, निपटा गया। अब जाइए इनके साथ। आइए। इस तरह नहीं हुआ ना काम। देखिए आप, देखने का क्या है इसमें, इतना खर्चा कर रहे हैं, काम करके दिखाओ। जबरदस्ती तो नहीं कर सकते ना हम। अगर काय करते हैं? तेरे को शर्म नहीं आती एक बुढ़ी औरत के साथ जबरदस्ती करते हैं? आजी हाय नहीं लेना तो लग गई ना, तो तेरी तो लग जाएगी। जिंदा बचेगी तो हाय देगी ना। कौन वाला ये? जो भी है सुन ले,
माजी सटक ली ना, तो मरने के बाद सबसे पहले भूत बनके तेरे सर पे नाचूंगी मैं। अभी भी वही कर रही हूँ। Hey! चिंटू, मेरे कान अभी काम कर रहे। तूने जो बोला वो मैंने सुना। देखिए जरा समझाइए इन्हें, इन्होंने बीमार में व्रत रखा है, अगर इन्होंने खाना नहीं खाया तो और ये बीमार हो जाएगी, और ऐसे में हमें जबरन इन्हें सलाइन चढ़ाना होगा। क्या सलाइन चढ़ाएगा? हाथ लगा कर तो देख, बाजू के बेड पर तुझे भी लेटा दूंगी। चिंटू मुझे घर ले जा। आजी आप प्लीज। देख ये डॉक्टर है ना, इसे कह दे कि मेरे साथ कोई जबरदस्ती ना करे। माजी सटक पीना, तो गणपति बाप्पा से बोल के इसे डॉक्टर से कंपाउंडर बनाऊंगी मैं। वैसे भी इसे कुछ आता नहीं। कभी बैग निकाल कपट से। चल अजी, आप कहीं नहीं जा रहे। थोड़ी देर में जाऊंगी। किसी में ताकत है जो मुझे रोके? तब तक मेरी गोद में अपना सर। एक शर्त में, आप मुझे सबके सामने चिंटू नहीं बुलाएंगे। क्यों नहीं बुलाऊंगी? जरूर बुलाऊंगी। पहली बार तुझे देखा ना तो मुंह से चिंटू ही निकला। चिंटू? बहुत शुभ है। मतलब आप मेरी बात भी नहीं मानोगे? क्यों, तू क्या गणपति बाप्पा का राइट हैंड है जो तेरी बात मानूंगी? ये मत भूल, तेरी वो दया माई है ना, उसकी भी माई हूँ मैं। हाँ, उसकी भी नहीं सुनती मैं, तेरी सुनूंगी। चला आना, आज मेरी गोद में। क्या रे, तू इतना सुकड़ा क्यों होता जा रहा है? हवेली में तेरा खाना बंद है क्या? मेरे ऐसे का आप जो मोटी हो रही हो, कोई बिना खाए पिए। तो चिंता मत कर, मैं घर आऊंगी ना तो अपने हाथों से वड़ा पाव मस्त बनाकर तुझे खिलाऊंगी। आप मेरे नाम पे बिल क्यों फाड़ रही हो? खुद खाओगी और वापस आओगी हॉस्पिटल। हॉस्पिटल पहुंचे माजे दुश्मन। वही तो, क्यों आ जाती हूँ यहाँ पे, अपना ध्यान ही रह सकती थी। आजी ठीक होना है तो थोड़े दिन के लिए ये व्रत रखना, ये भूखे रहना छोड़ दो, और जैसा डॉक्टर बोलता है ना वैसा करने का, वरना दया माई आएंगी और मुझे सुनाएंगी कि मैंने उनकी माई का ख्याल भी नहीं रखा। धमकी दे रहा मुझे, भूल गया दया माई की मैं माई हूँ। पता है? पता है ना, तो ये भी पता होना चाहिए कि आज गणपति जयंती है, सारी दुनिया वड़ा पाव लेकर आए तो भी मैं शाम से पहले नहीं खा सकती, क्योंकि पापा को नाराज नहीं करती। ठीक है, आप मानोगी थोड़ी ना। अच्छा मैं 10 मिनट में आता हूँ। कहाँ जा रहा है? एक छोटा सा काम है, वो निपटा के आता हूँ। अच्छा सुन, आते समय मेरे लिए वड़ा पाव लेते आना, मैं रात को खाऊंगी। और हाँ, वो खड़ूस डॉक्टर है ना, उसको नहीं बोलना। मुझे बहुत धमकाता है। अब सुन, 4 वड़ा पाव लाना मेरे लिए। 4 हाँ। 4 4 बोला है, 2 तो जरूर लाएगा। गणपति पप्पा जल्दी से शाम को वड़ा पाव खाना है। अंतरा चल। हेलो, अभी तो मेरा नंबर है ना,
हम जहाँ खड़े हो जाते हैं ना, नंबर वहीं से लगता है। चुपचाप कोना पकड़ के बैठ जा। अंतरा चलो। देखिए जल्दी में मैं भी हूँ, आप अपने अपॉइंटमेंट के हिसाब से जाइएगा ना। क्या बोला बे? फिर से बोल। हाँ नहीं, उनका नंबर है, उन्हें जाने दो, हम लोग अपने अपॉइंटमेंट के हिसाब से ही जाएंगे। जा। अब अंतर अब तुम लोग एक काम करो, तुम लोग बैठो, मैं अभी आता हूं। वो लड़का रघु कहाँ चला गया? पता नहीं मम्मी कहाँ चला गया हम लोगों को यहाँ छोड़ के। आइए बैठते हैं। मैडम जी सुनो ना, कुछ चाय पानी लेके अपॉइंटमेंट दे दो। सर ये आप कैसी बात कर रहे हैं? देखिए हमारे यहाँ कुछ रूल्स हैं और उनको तोड़कर हम अपॉइंटमेंट नहीं दे सकते। हफ्ता भर पहले अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है सर। हफ्ता? अरे साले ये कैसा रूल है? अब कौन कब बीमार पड़ने वाला है? ये क्या एक हफ्ते पहले सपना आएगा किसी को? सर रूल हमने नहीं बनाया, हम कुछ नहीं कर सकते। आई एम रियली वेरी सॉरी। अरे सॉरी गया तेल लेने, अपॉइंटमेंट देती है कि नहीं? इतना वक्त क्यों लग रहा है? मम्मा खुद समझ नहीं आ रहा, पता नहीं मम्मी ये दोनों कहाँ चले गए। आप यहीं बैठिए, मैं देख के आती हूँ। मैंने रघु भाई के इधर से और भाई ने डॉक्टर से बात कर लिया, तुम बुला ना डॉक्टर को। सर प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये पॉसिबल नहीं है। अरे क्या बोला मैं, भाई के होते हुए ना सब पॉसिबल होता है। तू डॉक्टर को बुला अभी। अंतरा जा आंटी जी को लेके आ। साले ये मच फोन क्यों उठा रहा है? बाहर निकाल उनको। एक चुप। बाहर चलिए आप। बाहर चलिए आप। हाथ लगा के दिखा। हाथ जगह से निकाल के ना कान के पीछे चिपका दूंगा इयररिंग बना के। सुना नहीं क्या बोला मैंने? डॉक्टर को बुला अभी का अभी। अरे तुम बाहर चलो। ए चुप। सुना नहीं क्या बोला मैंने? डॉक्टर का जरूरत है मेरे को, वो दिमाग वाला। अरे अपने लिए नहीं बोल रहा हूं, ये आंटी जी है ना, इनके लिए दिमाग के डॉक्टर की जरूरत है। चल बुला फोन कर। देखो तुमको बोला ना तुम नहीं मिल सकते, चलो बाहर। ए चुप। अरे देखिए हमने अपॉइंटमेंट लिया, पैसे कैसे कर सकते हैं? देखिए मैडम, देखना दिखाना सब बाद में, पहले आप लोग बाहर जाइए। चलिए बाहर चलिए। आज कैसे लगा रहा है तू? अरे बाहर चलिए। हटा को बोला बाहर नहीं लगाएगा। चलिए बाहर चलिए। अरे बाहर छोड़ अभी, बाहर नहीं जाओ। डॉक्टर बोल। क्या हो रहा है इधर? अरे क्या हुआ? अरे कुछ नहीं भाई, ये लोग वो डॉक्टर को नहीं बुला रहे, और ये मैडम बार बार अपॉइंटमेंट की सीढ़ी रिवाइंड कर करके बजाती जा रही है। अब नई अपॉइंटमेंट तो क्या करूं? डॉक्टर किधर है? बुलाओ। डॉक्टर अंदर है, और जिन्होंने शराफत से अपॉइंटमेंट लिया है सिर्फ वही डॉक्टर से मिल सकते हैं। रघु क्या हमारे पास अपॉइंटमेंट है? मैं तुमसे बात कर रही हूँ रघु, क्या हमारे पास अपॉइंटमेंट है? नहीं है।